हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आर्ट मंत्रा। आर्ट मंत्रा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक एग्जीबिशन का टूर पे लेके जा रहा हूँ। ये दिल्ली में हो चुका है, जिसमें मेरा भी पार्टिसिपेशन था। ये एक नेशनल एग्जीबिशन है और ये एक टूर एग्जीबिशन है। ये शुरू हुआ आसाम से, फिर उसके बाद भुवनेश्वर, नागपुर, उसके बाद बड़ौदा, वाराणसी, दिल्ली, इस तरह से 6-7 जगह पे एग्जिबिट होने के बाद ये दिल्ली में फाइनली इसका एग्जिबिशन को रखा गया है, जिसमें 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं। ये जो आप देख रहे हो, ये ललित कला एकेडमी है। आपको पहले दिख गया होगा कि ये मंडी हाउस पे है और मंडी हाउस का बिल्कुल चौक का नज़दीक है। और ये हम अभी एंटर कर रहे हैं एग्जिबिशन हॉल के अंदर। एग्जिबिशन का नाम है मोदी एट द रेट 20। तो ये उसका इनॉग्रेशन हो रहा है। Here we can see when words become unclear, the artist focus with photographs. There are many more languages in literature, but there is a single language in art, single language in painting. और ये एग्जीबिशन हॉल के अंदर का वातावरण है। ये एग्जीबिशन 4 दिन चला, जिसमें 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट पार्टिसिपेट किए हैं पूरा भारत से। और ये करीब 4 हॉल का बुकिंग्स था, और जिसमें ये सारे पेंटिंग्स लगाया गया है। थीम था मोदी एट द रेट 20। मोदी जी का जब से वो पॉलिटिक्स में आए हैं और अभी तक का जो भी कार्य रहा है, जो भी अचीवमेंट्स रहा है, और जो भी आर्टिस्ट सोचता है मोदी जी के बारे में, या मोदी जी को लेकर उनका जो परसेप्शन है, उनको चित्र में दर्शाने का प्रयास किया गया है। और मेरा करीब 5 पेंटिंग इसमें है। मैं और मेरा वाइफ लिपि जो है, उनका भी करीब 3 पेंटिंग्स इसमें है। बीच में जब ये मेरा पेंटिंग्स आएगी तो मैं उसको दिखाऊँगा। तो ये एक एग्जीबिशन का राउंड अबाउट फोटो है। आपको 360 डिग्री में ये देखने मिलेगा। इसमें पेंटिंग्स बहुत तरह के स्टाइल के पेंटिंग्स हैं। ज़्यादातर पेंटिंग्स रियलिस्टिक है, और ये जो पेंटिंग्स है, ये सारे रियलिस्टिक काम है। आपको पता नहीं चलेगा कि ये फोटोग्राफ्स है या पेंटिंग्स है। इसमें लोगों ने काफ़ी मेहनत किए हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो भी काम हुआ है, जो आपको आंखों में अच्छी लगती है और देखने में अच्छा लगता है, वो पेंटिंग्स अच्छी है, ऐसा कोई बात नहीं है। पेंटिंग बहुत आगे निकल चुकी है और ट्रेंड कुछ अलग है। मैं जो कुछ भी आपको सिखाता हूँ यहाँ, ये सिर्फ बेसिक है। और इसको अगर हम एज के हिसाब से माने तो हम करीब हम अभी जो पेंटिंग्स देख रहे हैं या जो मैं सिखा रहा हूँ, सीखना तो ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स सीखना ज़रूरी है। लेकिन अगर इस तरह के काम आपको करना है तो ये काम को अभी कोई मान्यता या वैल्यू दिया नहीं जाता, क्योंकि जब से कैमरा का इन्वेंशन हुआ, उससे पहले इस तरह के काम बनते थे। लोग खूब मेहनत करते थे और रियलिस्टिक काम करते थे, और कैमरा आने के बाद उनका कॉन्सेप्शन, जो आइडियाज़ है और जितना मेहनत करते थे, उस काम को एक कैमरा ने एक सिंगल क्लिक में उसको कर लेता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि सिंगल क्लिक में जब काम होने लगा, तो आर्टिस्ट को लगा कि अगर एक मशीन एक काम को इतना शीघ्र, इतना जल्दी कर सकता है, तो हमें कुछ अलग करना चाहिए जो मशीन नहीं कर पाता है। उसके बाद पेंटिंग में बदलाव आए और फिर अलग अलग इज़म्स बने, जैसे हमारे हैं ना हिंदुइज़म, क्रिश्चियनिटी और मोहम्मडनिज़म जो है, इस तरह से पेंटिंग में भी बहुत सारा इज़म्स है। तो वो धीरे धीरे आने लगे, और एक एक ग्रुप आर्टिस्ट वो अपना ग्रुप बना कर एक ही शैली का, एक स्टाइल का काम करने लगे, और उसको हम इज़म का नाम से जानते हैं। और पेंटिंग को देख के हम कह सकते हैं कि ये क्यूबिज़म है, फोविज़म है, डाडाइज़म है, रियलिज्म है, पोस्ट
इम्प्रेशनिज्म है, इम्प्रेशनिज्म है, एक्सप्रेशनिज्म है वगैरह वगैरह, इस तरह के बहुत सारे, और सरलिज्म है, इस तरह के बहुत सारे इज़म्स शुरू हुए कैमरा आने के बाद। मॉडर्निज्म भी आया, फिर अभी कंटेम्प्रेरी जो चल रहा है उसमें बहुत सारे तरीके का और बहुत सारे वैरायटी का काम आपको देखने मिलेगा। और ये जो काम और ये जो एग्जीबिशन आप देख रहे हो, ये बेसिकली आप ऐसे मान के चलिए कि ये रियलिस्टिक बेस पे है। कुछ लोग, ये पेंटिंग मेरा है, ये मैं अभी जूम अप कर रहा हूँ, ये जो ये वाली जो अभी दिख रही है लेफ्ट में गया, और ये जो शेर का साथ मोदी जी का काम है, ये मेरा काम है। इसको मैं कॉन्सेप्चुअल और एब्स्ट्रैक्शन, फिगरेटिव एब्स्ट्रैक्शन कहता हूँ। ये जो आपको दिख रहा है काम शेर के साथ जो मोदी, इसका टाइटल था मॉर्निंग वॉक। और ये जो सामने आपको बीच में काम दिख रहा है, मोदी वी साइन करके खड़े हैं और चांद पे एक तस्वीर या परछाई बन रहा है, द ग्रेट शैडो नाम से ये काम है। क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि मोदी का जो स्टेचर है वो इतनी बड़ी है कि जब एक सूरज जब निकलती है तो पृथ्वी का छाव, छाया जो है चांद पे पड़ती है, तो फिगर इतनी बड़ी है कि उनका छाव, उनका छाया चांद पे बना है। इसका इनडायरेक्टली कहने का मतलब यह है कि इतनी बड़ी है, हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको हम ये जो कविताएं लिखते हैं हम मेटाफर्स यूज़ करते हैं, सिमिलीज यूज़ करते हैं, तो ये एक मेटाफोरिकल इमेज है जिससे हम कम कह के बहुत बड़े चीज़ को व्यक्त करने का कोशिश करते हैं। तो ये लिपिका था और ये कोई लेडी आर्टिस्ट का काम है, मैं नाम तो भूल गया। और इस तरह के काम आपको, हर एक आर्टिस्ट का परसेप्शन अलग है, वो अपना जो नज़रिया है, जो सोचते हैं मोदी जी का बारे में, या जो दर्शाना चाहते हैं मोदी जी का जीवन को, उस हिसाब से उन्होंने इसको दर्शाए हैं। किसी ने मोदी जी को विष्णु का अवतार में बताया है, और ये जो पेंटिंग देख रहे हैं ये मेरा है, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है, इसका नाम दिया है मैंने मन के बात। और आप इसको देखेंगे तो इसमें सिर्फ गालियां ही गालियां लिखा हुआ है, एक दीवार है और साइड में ये एक ड्राइंग है जो शिव जी का है, और शिव जी का ड्राइंग उस तरह से बनाया गया है जिस तरह से नॉर्मली लोग दीवारों पे बनाते हैं, और उसमें लिखा गया एक अकेला सब पे भारी। ये भी मेरा पेंटिंग, ये जो ब्राउन वाले गई, इसमें एक दीवार का चित्र है और एक चाय का केटली है जिससे धुआं निकल रहा है, और उस धुएं पे धुआं एक इमेज बना रहा है भारत का, और पीछे कुछ गालियां वगैरह भी लिखा हुआ है दीवार पे। और इस तरह से, क्योंकि नॉर्मली हम जब कोई चीज़ को रियलिस्टिकली प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको हमें बताना ज़रूरी है। ये काफ़ी कंट्रोवर्सी का बना था, यहाँ तक कि मुझे अरेस्ट होने का भी बात तक पहुँच गई थी, ये सोप बरोड़ा में। तो किसी भी तरह से ये मामला सुलझ गया, और एक आर्टिस्ट का फ्रीडम होता है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। मैंने उस दीवारों पे कुछ लिखा था जिसमें माँ की आँख वगैरह 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 था, जो मैं नॉर्मली देखता हूँ कि दीवारों पे कुछ गालियाँ, कुछ अभद्र भाषाएँ लिखे होते, और आर्टिस्ट अगर इसको सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो वो दीवार नहीं लगेगी कि ये कोई रास्ते के साइड में दीवार है और एक चाय के लारी के पीछे दिख रहा है। और इसमें एक कटी हुई हाथ, ये लिपि का पेंटिंग है ब्लू वाली, इसमें एक स्टार्स को, स्टार्स का एक्युमुलेशन है जिसमें मोदी का फोटो बन रहा है और उसमें कुछ पसीने टपक रहे हैं। ये मेरा पेंटिंग है ब्लू वाला, इसमें द मेकिंग ऑफ मोदी लिखा हुआ है, जिसका शर्ट के अंदर काफ़ी सारे आपको इमेज देखने मिलेगा, जो मोदी मोदी कैसे बना है, इसमें सारे जो तेजस वेजस और हम इंडिया का डेवलपमेंट वगैरह वगैरह सारे दिखाया गया है। और एक आदमी वहाँ से उसको खोद के एक स्कल्पचर बना रहा है, मोदी का स्कल्पचर बना रहा है। तो मोदी बेसिकली है क्या, उसका आइडियाज़ को हम जब कॉम्पैक्ट करते हैं एक छोटा सा फ्रेम का अंदर, जब हम उसको कोशिश करते हैं बनाने के लिए, तो काफ़ी सोच विचार की ज़रूरत पड़ती है। हम यूं ही रियलिस्टिकली कोई चीज़ को एक फ़ोटो जैसे नहीं बनाना चाहिए। और ये मैं आगे आपको बताऊंगा, अगर आपको इंटरेस्ट रहा तो
समझने वाली बात है, पेंटिंग आजकल वो नहीं रहा जो आप सोचते हो। ये एक कॉन्सेप्चुअल काम है, ये जो चिड़िया बनाया है किसने, उसमें कुछ लिखा हुआ है, आप सिर्फ लिख के भी पेंटिंग कर सकते हो। वो कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ कलर से पेंटिंग करें, और आप कुछ भी कर सकते हो। ये जो इंस्टॉलेशंस करते हैं, और कुछ भी गोबर से भी कर सकते हो, कुछ पत्ते चिपका सकते हो, कुछ भी। बात है कि आप अपना जो नज़रिया है, आप अपना जो विचार है, उसको किस तरह से प्रस्तुत करते हो। मीडियम्स मायने नहीं रखते। हम अपने चैनल में जो कुछ भी आपको सिखा रहे हैं वो बेसिक्स है। बेसिक सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ABCD नहीं सीखोगे तो वर्ड्स कैसे बनाओगे, वर्ड सीखने के बाद सेंटेंस कैसे बनाओगे। सेंटेंस अगर सीख गए बनाना, फिर हम अपना क्रिएट करते हैं कहानी। जो साहित्य में जैसे कविताएं होती है, और वो काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट होती है, एब्स्ट्रैक्शन जो है उसको समझना पड़ेगा। ये जो काम आप देख रहे हो, किसी ने खिल्ली लगा के कांटे ठोक के धागे में क्रॉस करके एक इमेज बनाया, आप दूर से जब देखेंगे ना, ये जो क्रॉस सेक्शंस है इसमें उसका लाइट शैडो क्रिएट होती है। काफ़ी मेहनत किया है, लेकिन इसको हम क्राफ्ट्स के कैटेगरी में लेते हैं। अभी अगर मैं कहने जाऊँ, इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, क्योंकि अभी का काम बिल्कुल अलग है। अभी का काम बिल्कुल अलग तरह से लोग करते हैं, उसमें क्रिएटिविटी का ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है। क्रिएटिविटी को आप क्या नया कर रहे हैं, आप क्या नया दे रहे हैं दुनिया को, जो आज से पहले नहीं हुई है। आप अपने आपको किस तरह से दूसरे आर्टिस्ट से अलग बनाते हो, आपका काम किस तरह से अलग नज़र आता है। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल साफ सुथरा ड्राइंग हो, या एज इट इज़ दिखे, मोदी जी जैसे दिख रहे हैं। मोदी जी एक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, मोदी जी एक विचार है। आप अगर एक विचार को पेंट करोगे, कोई ज़रूरी नहीं कि उनका पोर्ट्रेट को पेंट किया जाए, तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन आएगा ही, क्योंकि विचार इट्सेल्फ इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट थिंग। विचार एब्स्ट्रैक्ट होता है, विचार कोई विजुअल नहीं है। हम विचार को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए पेंटिंग का सहारा लेते हैं, लेकिन विचार को अगर हम अलग अलग तरह से उसको हम डिपिक्ट कर सकते हैं। डिपिक्ट करने के लिए हमें कभी कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है, कभी कुछ फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। हो सकता है फिगर्स ना हो, सिर्फ कलर्स में भी, बिना फिगरेटिव भी हम उस काम को दिखा सकते हैं। ये आखिरी छोर है, और यहाँ तक हमारा काम, यहाँ तक दिखा के मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।